हेलो दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीके स्टडी आधा के जैसा एजुकेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं। आप लोगों में से बहुत ऐसे यूट्यूबर होंगे या क्रिएटर होंगे जो एजुकेशनल वीडियो बनाकर महीने के लाखों रुपया अर्न करना चाहते हैं, और आप लोग यूट्यूब पर बहुत ऐसे एजुकेशनल चैनल भी देखे होंगे जो एजुकेशनल वीडियो की एडिटिंग मोबाइल से काइन मास्टर से करते हैं और महीने के लाखों रुपया छापते हैं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा भाषण नहीं देते हुए मुद्दे की बात करता हूँ। कुल मिलाकर बात यह है कि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जीके स्टडी आधा के जैसे वीडियो कैसे बना सकते हैं। आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मेरा यह वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे वीडियो एडिटिंग किया जाता है। दोस्तों, जब आप काइन मास्टर ओपन करेंगे तो आपके सामने काइन मास्टर कुछ इस तरीके से ओपन होकर आएगा, और आपके सामने यहाँ पर कुछ टूल्स दिए रहेंगे। यहाँ से आप अपने सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मीडिया में जाकर आप अपने फाइल मैनेजर से जो भी फ़ोटो या वीडियोस लेना होगा आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले हमें एजुकेशनल वीडियो के लिए क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक टैम्पलेट लेना पड़ेगा। ये जो टैम्पलेट है मैंने एक पिक्सल ऐप एप्लीकेशन से क्रिएट किया है। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैम्पलेट को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। टैम्पलेट लेने के लिए हम जाएंगे सीधे मीडिया पर। मीडिया पर क्लिक करेंगे तो ये मीडिया आपको लेकर चला जाएगा आपके फाइल मैनेजर में, मतलब कि गैलरी में। तो आप जहाँ भी अपने टैम्पलेट को रखे होंगे वहाँ से अपने टैम्पलेट को ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ से अपने टैम्पलेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये जो टैम्पलेट है मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन से बनाया है। इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग इस चीज़ पर ज़्यादा परेशान मत होइएगा, जल्दी इस पे वीडियो आ जाएगा। तो ये टैम्पलेट हम यहाँ पर लेंगे, और इस टैम्पलेट को लेकर हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा लेंगे। टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे, और खींच कर इसको बड़ा कर लेंगे। इसके टाइम ड्यूरेशन को यहाँ से बढ़ा लेंगे। आप अपने हिसाब से जितने क्वेश्चंस का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इसको अपने हिसाब से जितने टाइम ड्यूरेशन देकर इसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस टैम्पलेट को मैंने 28 सेकंड तक बढ़ा कर रख लिया है। इसके हिसाब से आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें ऐड करने हैं अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिनिमम आपको 15 सेकंड का समय लगता है, कि मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन का आना, ऑप्शन का आना, उसके बाद से जो टाइमर होता है वो चलना, उसके बाद से आंसर चलना, उन चीज़ों को सभी को मिलाकर 15 सेकंड का एक क्वेश्चन तैयार होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी 15 सेकंड का होता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा कि मैं कैसे इस चीज़ को क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये टैम्पलेट ले लेना है। टैम्पलेट लेने के बाद आपको इसके टाइम ड्यूरेशन को जितने अपने हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं आप लोग बढ़ा लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से 28 सेकेंड का बढ़ा के रखा है, आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ये बढ़ा के रखा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे यहाँ पर, ताकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर शो करे, ठीक है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर लिखने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर लेयर पर। लेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पांच ऑप्शन दिखाई देगा। पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा मीडिया का, दूसरा जो ऑप्शन दिखाई देगा आपको इफेक्ट का, तीसरा स्टिकर का है, चौथा टेक्स्ट का है, और पांचवा जो है वो हैंडराइटिंग का है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन लिखने के लिए हमें टेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, मैंने लिख दिया है। अब इसको यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके टेम्पलेट के ऊपर आ जाए। लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है वो क्वेश्चन वाइट कलर का है और बैकग्राउंड भी वाइट कलर का है, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके कलर को चेंज करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन विजिबल हो पाए, मतलब दिखाई दे। तो कलर को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से डॉट डॉट देखकर
डॉट डॉट दिखाई देगा आपको, तो समझ जाइएगा कि आपका क्वेश्चन जो है या कोई भी चीज़ है जो वो सिलेक्ट हो चुका है। और ये जब सिलेक्ट होता है तो इससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इसी में आपको कलर को ढूंढना है कि कहाँ पर कलर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको कलर दिखाई देगा। तो हम इस पर क्या करेंगे, कलर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा कलर आ जाएगा। तो आप अपना क्वेश्चन जिस कलर में रखना चाहते हैं अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं अपना क्वेश्चन यहाँ पर ब्लू कलर का रखना चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके किया तो हमारा क्वेश्चन का जो कलर है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब देखिए ये जो कलर है ब्लू कलर का आ चुका है। अभी इसे हमें क्या करना है, बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए हम इस वाले तीर को पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर इसको पकड़ कर यहाँ पर ला कर एडजस्ट कर देंगे। अब दोस्तों ये तो मेरा कलर का तो मामला जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड यहाँ पर सारे ऑप्शन आ जाते हैं और हमें यहाँ पर फ़ॉन्ट को ढूंढना पड़ेगा कि फ़ॉन्ट यहाँ पर है कहाँ पर। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा फ़ॉन्ट। इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने बहुत सारा फ़ॉन्ट लेकर आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अगर आप काइनमास्टर इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ये एंड्रॉयड से रिलेटेड बहुत सारा फ़ॉन्ट काइनमास्टर में ही दिया रहता है। लाइटिन से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारा फ़ॉन्ट आपको काइनमास्टर में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने माई फ़ॉन्ट रखा हुआ है ये मैंने यहाँ से ऐड किया है। ये कैसे ऐड किया जाता है इसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो माई फ़ॉन्ट में मैंने कुछ फ़ॉन्ट्स को यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उसी को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर इस वाले फ़ॉन्ट को ऐड करने वाला हूँ। तो इसको ऐड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट कॉर्नर पर ऊपर आएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो यह हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है और कुछ इस तरीके का आपका फ़ॉन्ट दिखाई देगा। और देखिए ये कितना अच्छा देखने में लग रहा है। तो ये तो फ़ॉन्ट वाला भी काम ख़त्म हो गया हमारा और कलर वाला भी काम ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें एनिमेशन देना है। एनिमेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर इससे रिलेटेड सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब हमें इन एनिमेशन देना है। इन एनिमेशन के मतलब कि जब यह क्वेश्चन आएगा तो उस समय यह किस तरीके से एनिमेट करेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन एनिमेशन। ओवर एनिमेशन का, ओवरऑल एनिमेशन का मतलब होता है कि यह जब तक क्वेश्चन इस पर रहेगा वो किस तरीके से एनिमेट करेगा। और आउट एनिमेशन का मतलब होता है कि ये लास्ट में जब क्वेश्चन ख़त्म होने वाला होगा उस समय वो कैसे एनिमेट करेगा। तो पहले हमें क्या देना है, इन एनिमेशन। तो इन एनिमेशन पर हम आकर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सारे आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एनिमेट करेगा। पॉपअप पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। स्लाइड राइट पर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अपने पसंद से जो भी आप एनिमेशन देना चाहते हैं यहाँ से आराम से दे सकते हैं। नीचे आएंगे तो और भी सारा आपको देखने को मिलेगा। इनमें से मुझे सबसे अच्छा लगता है वाइप राइट वाला। तो हम वाइप राइट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर वाइप राइट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इसके स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि ये कितने स्पीड में आप एनिमेशन देना चाहते हैं या फिर कितना स्लो में देना चाहते हैं, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। आप जितना इधर की तरफ आएंगे, 0.5 की तरफ आएंगे, पॉइंट की तरफ आएंगे, तो ये उतनी ही स्पीड से आपको एनिमेट करते हुए नज़र आएगा। और आप जैसे ही 1 के प्लस में जाएंगे, 1 प्लस में जाएंगे, उतने ही ये स्लो होते हुए नज़र आएगा। तो हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने एनिमेट करेगा। और यहाँ से हम आ जाते हैं बैक, ठीक है। अब बात आती है कि इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि 28 सेकंड तक इसके भी ड्यूरेशन को हम लोग बढ़ा लेंगे। तो इस पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़कर इसको ऐसे खींचेंगे और खींचते हुए हम इसको क्या करेंगे, जितना हमें ड्यूरेशन चाहिए होता है वहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए कि हमें क्या करना है, यहाँ पर एंसर डालना है। तो एंसर डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से बैक आते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर एंसर डालना है, तो डालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से लेयर पर जाएंगे।
तो आपको ऐसा नहीं करना है। लेयर पर जाएंगे फिर आपका समय यहाँ पर लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके हम यहाँ पर थ्री डॉट पर आएंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको फर्स्ट ऑप्शन पर दिखाई देगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट पर आप क्लिक करेंगे तो सेम इसी के जैसे क्वेश्चन के जैसा ही एक और आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया ना यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कट करके यहाँ पर ऑप्शन में डाल देंगे। ऐसे करने से हमें दो फायदा हुआ। पहला फायदा ये हुआ कि हमें लेयर में जाकर फिर से टेक्स्ट को लिखकर बार बार वो नहीं करना पड़ा कि टेक्स्ट को लिखिए, फॉन्ट चेंज कीजिए, फिर कलर चेंज कीजिए, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। अब मैंने इसको सीधे क्या किया, इसको इस पर क्लिक किया, यहाँ से जाकर मैंने डुप्लीकेट कर दिया तो सब चीज़, तो मतलब आपका कलर वाला काम जो है वो भी बच गया, इसके फॉन्ट चेंज करने वाला काम वो भी आपका बच गया, ठीक है ना। और ये जो आपने इसको बड़ा किया है ये भी आपका समय बच गया। तो इस तरीके से आपका तीन चीज़ों में आपको प्रॉफिट हुआ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके एडिट पर आएंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। और कट करके सिंपली आपको आंसर में लिख देना है मोर, यहाँ से ओके कर देंगे तो ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है ना। अब ये आंसर यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। अब इसको आप चाहते हैं कि इसके कलर को चेंज करने के लिए तो इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कलर पे आइए। कलर पर आने के बाद इसके कलर को जो भी आप देना चाहते हैं आराम से देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसके कलर को हम रेड कलर दे देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का आपका कलर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे आपको ये चीज़ों का प्रॉफिट हुआ। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि ये देखिए प्ले करके देखते हैं कि ये किस तरीके से चल रहा है। यहाँ से मैंने क्या किया प्ले। अब देखिए जैसे ये प्ले हो रहा है आंसर ही उसके साथ ही साथ चला आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन जैसे देखिए क्वेश्चन जैसे ख़त्म हुआ यहाँ तक हम इसको रहने देंगे और यहाँ से क्या करेंगे इसको कट कर लेते हैं, ठीक है ना। कट करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ट्रिम पर जाएंगे। ट्रिम पर जाने के बाद यहाँ पर ट्रिम लेफ्ट कर देंगे। लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट वाला एरिया कटेगा। अगर आप राइट करते हैं तो राइट वाला पूरा एरिया ख़त्म हो जाएगा। और स्प्लाइट करते हैं यहाँ पर तो ये बीच से कटेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा बट बीच से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्रिम पर लेफ्ट कट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करें, इसको फिर से हम प्ले करके देखते हैं कि किस तरीके से ये चल रहा है। क्वेश्चन खत्म हुआ और यहाँ पर आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये एनिमेशन जो है ना इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। एनिमेशन यहाँ पर आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एनिमेशन में आते हैं और यहाँ पर हम एनिमेशन ये वाला एनिमेशन दे देते हैं, स्लाइड राइट वाला, ये ऐसे निकल कर आएगा, ठीक है ना। और इसके स्पीड को थोड़ा हम क्या करते हैं तेज कर देते हैं, 1 पे कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आएगा। अब इसको प्ले करके देखिए, ठीक है ना, आंसर आ गया ना। अब देखिए ये तो क्वेश्चन ख़त्म हुआ। क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद 5 सेकंड तक हमें टाइमर चलाना होता है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइमर सेट करना है। टाइमर सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइमर सेट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको स्टिकर वाला ऑप्शन चूज करना है। इसको चूज करके यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको लेकर चला जाएगा स्टिकर में। आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर फन काउंटडाउन्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर टाइमर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब होता क्या है ना कि आप जब नया नया काइनमास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये सब चीज़ें उसमें नहीं होती है, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो डाउनलोड कहाँ से करेंगे, डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे इस वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर ऊपर राइट कॉर्नर में आपको दिखाई देगा ये बॉक्स के जैसे है ना, इस पर क्लिक करेंगे। ये है काइनमास्टर का एसिस्ट स्टोर। अब यहाँ पर ये चीज़ें बहुत सारे आपको यहाँ पर स्टिकर्स देखने को मिलेगा, ये म्यूजिक देखने को मिलेगा और ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इस सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है। ये सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे ना, क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर हमें इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल हो गया, इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से आप लोग सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। 47.5 MB का है, बहुत अच्छा ये काउंटडाउन है, बहुत अच्छा टाइमर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है।
आपने डाउनलोड कर लिया और इसको मान लीजिए जो भी आपको पसंद आता है अपने पसंद से यहाँ पर टाइमर को ऐड कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं इस वाले टाइमर को क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखिए पूरे ये साइज़ को ले लिया है, पूरे जो वीडियो का साइज़ होता है उस साइज़ को लेकर यहाँ पर बैठ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके साइज़ को छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले तीर को पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और इसको लाकर जहाँ भी आपको रखना है अपने हिसाब से यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल रख देते हैं हमें, ठीक है ना, रख दिया। और रखने के बाद यहाँ से बैक आ जाते हैं, ठीक है ना। बैक आने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ से प्ले करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये एनिमेट हो रहा है। अब देखिए ये जैसे टाइमर ख़त्म हो रहा है इसको यहाँ पर स्टॉप कर देना है। अब हमें यहाँ पर एंसर खोजना है, ठीक है ना। एंसर यहाँ पर है, एंसर पर क्लिक करेंगे और इतना जो एरिया जो दिखाई दे रहा है इसको कट कर देंगे। अब मैं बता रहा हूँ क्यों कट कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद हमारा टाइमर चलेगा तब जाकर ना आंसर आएगा। तो आप पहले देख लीजिए कि ये किस तरीके से अब दिखाई देगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा आपको। प्ले करते हैं एक बार, क्वेश्चन ख़त्म हुआ, अब टाइमर चलेगा। जैसे ही टाइमर ख़त्म होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए यहाँ तक हमारा आंसर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो चल रहा है ना ब्रेकिंग, तो ये आप चाहते हैं ना यहाँ पर स्लाइडिंग वाला चले कि हमारे चैनल्स के बारे में है कि क्या क्या उसमें बारे में आप बता रहे हैं, आपका चैनल किस चीज़ पर है, आप किस चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं, क्या आपका चैनल जीके से रिलेटेड है कि फैक्ट से रिलेटेड है या फिर करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो या फिर अपने सब्सक्राइबर जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखना चाहते हैं हेडलाइन में आप लोग लिखकर यहाँ पर एनिमेट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ग्रीन इफेक्ट से बनाया है एनिमेशन वाला, वो भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दिखा दूँगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ जाए। तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, लेयर पर जाएंगे। लेयर पर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे मीडिया पे, और जहाँ भी आपने वो चीज़ बना कर रखा हुआ है वहाँ से पहले हम उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने वो ग्रीन इफेक्ट से जो मैंने नीचे वाला हेडलाइन जो चलने वाला जो बनाया था यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब देखिए ये जो मैंने इंस्टॉल किया यहाँ पर, तो ये इतना ही पोर्शन आपको यहाँ पर आ रहा है, पूरा फुल नहीं हो रहा है। तो इसको हम फुल करने के लिए क्या करेंगे, फुल करने के लिए इसको सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद इससे रिलेटेड सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब हमें इससे क्या करना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे ना तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा जिसका नाम है क्रोमा की। तो क्रोमा की पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देंगे। और इनेबल करने के बाद बैक जैसे आएंगे तो ये वाला पोर्शन जो ग्रीन वाला था वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ें जो है ना यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। अब इसको हमें क्या करना है, नीचे सेट करना है। नीचे सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हुए हम कहाँ जाएंगे, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर स्प्लाइट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे तो ये पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब ये फुल हो जाएगा तो यहाँ से हम आ जाएंगे बैक, बैक ऐसे आ जाएंगे। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो अब जब प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये एनिमेट करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग इस तरीके से अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि वॉइस ओवर करने के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि वॉइस ओवर करने के लिए तो आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग पर आइए, रिकॉर्डिंग पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो भी साउंड वगैरह डालना है, नीचे बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक डालने के लिए आप जाएंगे ऑडियो पे। ऑडियो पे जाने के बाद आप जहाँ भी अपना कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक रखे होंगे वहाँ से आप आराम से यहाँ से सेलेक्ट करके आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कि आपको कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका साउंड ज़्यादा होता है, अगर आप चाहते हैं कि इसके साउंड को कम करने के लिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मिक्सर पर जाएंगे। अब मिक्सर पर जाने के बाद तो यहाँ पर आपको 100% यहाँ पर साउंड वॉल्यूम दिखाई देगा। तो इसको क्या करना है, अपने हिसाब से इसको 50% से मतलब 35% कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ से आप कर लीजिएगा ओके, उसके बाद से आ जाइएगा बैक।
अब आपका पूरी तरीके से क्वेश्चन तैयार हो चुका है, आपका वीडियो तैयार हो चुका है। अब दोस्तों देखिए, कई लोग हैं ना सोचते हैं कि देखिए ये तो मेरा पहला क्वेश्चन ऐड हो गया है, अगर हम दूसरा क्वेश्चन के लिए कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये आपका आंसर हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबको स्प्लाइट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन वाले को यहाँ को सिलेक्ट करके यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे बीच से, ठीक है ना। अब आंसर वाले को क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कट कर देंगे, ठीक है ना। ये दो ही चीज़ को आपको कट आउट करना है, बाकी कोई भी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको दो ही चीज़ को कट आउट करना है। और इसको क्या करना है, इसको ऐड करते रहना है, ठीक है ना। इस तरीके से जो भी आप अगर हेडलाइन वाला बनाए होंगे तो इसको ऐड करते चले जाइएगा जितना देर तक आप वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से आप लोग 15-15 सेकेंड का यहाँ से कट करके अपना वीडियो क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हमको तीसरा क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर इसका ऑप्शन को वाला भी सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर लेंगे, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। तो और जैसे मैंने प्रोसेस बताया है पहले क्वेश्चन के लिए, सभी प्रोसेस आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी क्वेश्चन के साथ करना है, मतलब वैसे ही आपको एडिटिंग करना है। तो इस तरीके से आपका पूरा क्या होगा, क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।